आज कुतुबशाही थाना क्षेत्र में मानक मोड़ चौकी क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा पैदल गश्त और ट्रैफिक एनफोर्समेंट के लिए चेकिंग भी किया गया था। काफ़ी लोग अब भी हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, कुछ नए बच्चे जो है तीन सवारी कर रहे हैं और चालान तो हम रेगुलरली कर ही रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से सहारनपुर की जनता, यूपी की जनता और सभी देश भर की जो भी अगर किसी को अगर ये वीडियो मिली है तो मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम चालान कर रहे हैं, गाड़ी सीज कर रहे हैं और तमाम अन्य एनफोर्समेंट मेजर्स ले रहे हैं, वो तो ठीक है, हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, बट क्यों हम लोग वो छोटा सा एक काम है, हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्यों हमारे अपनी की गाड़ी की कागज़ को अपने गाड़ी में रख नहीं रहे हैं, क्यों हम तीन सवारी, चार सवारी, कभी पांच सवारी अपने और अपने साथियों की लाइफ को रिस्क में क्यों लेके जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है सभी जनताओं से, सभी तरह के लोगों से, सभी एज ग्रुप से कि हेलमेट आप अपने लिए पहनिए। जो घर से बेटा निकलता है, पिता या माता, उनको हेलमेट के बिना निकलना ना दें। जो बेटी आपके पढ़ने जाती हो, जो आपके पापा काम पे जाते हैं, आपके मम्मी मार्केट पे जाते हैं, आपका सारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, जो भी आपके अपने घर से निकलेंगे, अपने साथ से निकलेंगे या वो अपने गाड़ी लेके निकल रहा आपके सामने, तो उन्हें हेलमेट के बिना गाड़ी लेके बाहर सड़क पे निकलने मत दीजिएगा। क्योंकि पुलिस को चालान करते हैं हम लोग, पुलिस तो चालान करती है, बट असली नुकसान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, हल्की सी एक चोट सर पे लगने से लोगों को मतलब डेथ हो जा रहा है या गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं, इससे नुकसान आपको है और आपका परिवार को है। हम लोग चालान करते हैं बट उससे मतलब क्या फ़ायदा, अगर कोई बात हो जाए कि आप वापस उसी स्थिति में आप घर पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और उम्मीद यह है कि आप एक ज़िम्मेदार पिता हो सकते होंगे, एक ज़िम्मेदार माँ होंगे, ज़िम्मेदार भाई होंगे, बहन होंगे, दोस्त होंगे, जो भी होंगे आप ज़िम्मेदार बनेंगे अपने दोस्त और रिश्तेदार को, अपने बहन बेटियों को और अपने लड़कों को हेलमेट पहनाइए, ये 100% आपको करना। धन्यवाद।